हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैंने आज ही amazon.com से ग्रीन एरो नाम का एक वायरलेस माइक मंगाया है। हालांकि आजकल काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, और इसकी कीमत है 2800 रुपीज़। और जैसा कि कंपनी क्लेम कर दिया है कि ये कैच कर सकता है 65 फीट तक की डिस्टेंस तक की वॉइस। आप रिसीवर आप अपने फ़ोन में लगाना है आपको, और ये ट्रांसमीटर एक तो मेरे पास है, इसमें दो ट्रांसमीटर है। 1-2 वाला वर्जन मेरे पास है, एक कैमरामैन के पास है, मिस्टर सौरभ कटारे के पास। तो पीछे देखिए कितनी लंबी सड़क है, और मैं कोशिश करूँगा चेकआउट करने की कि क्या कुछ इसकी कैपेसिटी है, यानी कितनी रेंज है। तो मैं पीछे जा रहा हूँ, चलते जाऊँगा, और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाकर मेरी वॉइस जो है यानी बंद हो जाएगी। और ये जो फाइनल अनएडिटेड क्लिप है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगा। और अभी अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 20 फीट्स तो मैं आ गया हूँगा, और वैसे पीछे चलता जा रहा हूँ, और देखना है कि कहाँ तक ये वॉइस कैप्चर कर पाता है। क्योंकि ये 2800 रुपये में आता है, तो हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2800 रुपये अच्छी खासा एक अमाउंट होता है, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़। तो कैपेसिटी इसकी अभी चेक करेंगे कि क्या ये वर्थ फॉर वैल्यू है, मनी यानी कि जो इसका प्राइस है उसे जस्टिफाई करता है। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी इसकी ये डिस्टेंस है जो मेरे और कैमरामैन के बीच में ऑलमोस्ट 45 फीट की है। और मैंने जो इसकी नॉइस कैंसिलेशन है, इसमें नॉइस कैंसिलेशन के समझ तीन ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो मैंने तीनों के तीनों एक्टिवेट कर रखे, तीनों के तीनों थर्ड लेवल पे मैं शूट कर रहा हूँ इसे। और ये देखना ही है कि जो सराउंडिंग वॉइस है वो कितनी कैप्चर इसमें हो पाती है, या फिर कितना कुछ मतलब कि नॉइस कैंसिलेशन का फायदा इसे होता है, क्योंकि मैंने तीसरा लेवल अभी कर रखा है। अभी बात करूँ तो मैं 65 जो फीट की कैपेसिटी है उससे आगे आ गया हूँ, और मुझे नहीं पता कि इसकी वॉइस आप तक पहुँच भी रही होगी या फिर मैं वैसे बोल रहा हूँ। अगर मैं ऐसे टर्न करता हूँ तो हो सकता है मेरी जो बैक है वो बैरिकेडिंग का काम करे, और जो ट्रांसमीटर है और वो पीछे रिसीवर जा, तक सिग्नल ना मिल पाए पीछे उसे। जाओ जा। देखना ही है कि अभी मैं थोड़ा जोर जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि दूर भी आ गया हूँ। चेक सिर्फ ये करना है कि कौन से पॉइंट देखो, या फिर सिग्नल ब्रेक होने, देखते हैं वो इस कितनी दूर जाके सिग्नल ब्रेक हो गए। अभी 100 फीट से ऊपर मैं आ गया हूँ, 100 फीट से बहुत ऊपर आ गया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अभी पता देखें जो होगा, ये देखते 100 फीट हिला रहा हूँ। क्रॉस हो गया और है, अभी और तो लगभग आपको लगभग मतलब 150 मेरे फ्रेंड की आवाज़ सुनाई दे रही फीट है की अभी, डिस्टेंस में तो आ चुका हूँ। अभी बहुत ही अभी मुझे बढ़िया नहीं माइक है पता इसका। कि मतलब मेरी वॉइस आप अगर जितनी इसकी कैचिंग पावर है, जितना इसकी बॉक्स पे बाहर की लिखा हुआ वॉइस है, है, वो इतने से तो ज़्यादा कैंसिलेशन ही का जो काफ़ी फंक्शन पीछे जा है चुका है मेरा वो फ्रेंड। कैसा है, हालांकि अभी जो पता नहीं उसकी दूसरे आवाज़ क्या माइक्स बता रहा है है वो, क्या नहीं, वो भी मुझे काफ़ी सुनाई नहीं अच्छे दे खासे रही। माइक है और हालांकि, माइक लेकिन उसकी मुझे नहीं कीमतें पता कि इससे काफ़ी क्या बोल ज़्यादा रहा है है। वो, मैं अगर उसके बोया पास की नहीं बात जाता हूँ, करूँ क्योंकि अब जी तो अभी बोया क्रॉस में हो भी एक चुका है अच्छा खासा क्योंकि माइक है, हालांकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि 55 से भी मैं ज़्यादा ही। अभी देखें, उसे खरीद पाऊँ। देखिए कैमरामैन थोड़ा आगे आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो सिर्फ इस वीडियो का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो यही है कि जो क्वालिटी है इसकी, यानी कि जो रेंज है कितना कैप्चर करता है वही है। तो देखिए अभी हम चेक करेंगे वीडियो को, और बाद में ये वीडियो जैसा है एज इट इज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अनएडिटेड सिंगल क्लिप है ये, और बताएंगे, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप जा सकते हैं इसके साथ, वरना अदर ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपका बजट है वो थोड़ा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये जो एक जेन्युइन रिव्यू है, ये अनबायस्ड रिव्यू आ कह सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।